प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, यह मनोजाइजिस का प्लेटफॉर्म है और यहां पर आज हम टॉपिक जिस पर बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले हम राष्ट्रीय आय को ठीक प्रकार समझेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, क्या है परिभाषा, विभिन्न जो है अर्थशास्त्री किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं। इसके बाद हम एक एक टर्म को समझेंगे कि राष्ट्रीय आय को कैलकुलेशन में किन किन टर्मों का प्रयोग किया जाता है और उनको समझने का भी थोड़ा हम प्रयास करेंगे। तो आइए इस क्रम को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए, आय का मतलब आप समझिए, आय का मतलब होता है इनकम। आय का मतलब क्या होता है? इनकम। इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, और जिसको हम लोग टोटल बोलते हैं आय। तो आइए इसको देखते हैं, नेशनल आय क्या है, इसको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप इसको जरा समझें। देखो, एक शब्द हमने बताया आपको, हमने कहा एक शब्द है इनकम, इनकम, और जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आय। तो मैं कहता हूं कि अगर राष्ट्र की आय को ना समझ करके पहले मैं पूछूं कि आय क्या होता है, तो आय का मतलब होता है आमदनी। आय का मतलब, आय का मतलब आमदनी, आमदनी, जो पैसा आप कमा सकें। जैसे अगर हम मान लीजिए एक व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, मान लीजिए वह एक महीने में 50,000 रुपये, वह 50,000 रुपये जो है वह प्राप्त करता है, तो हम ये कह सकते हैं इसकी आय 50,000 है। लेकिन रुक जाइए, ये तो उसकी सैलरी है, ऊपरी आमदनी कितनी है? अब मान लीजिए उसकी ऊपरी आमदनी भी 50,000 ही है, तो 50 और 50 1,00,000। तो अब उसका इनकम कितना होगा? 1,00,000। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं भाई? 50,000 तो आपको सैलरी मिल रही है, 50,000 आपने ऊपर से कमा लिया। अब ऊपर की कमाई कई तरह की है, वो मेहनत के भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप पार्ट टाइम कोई और जॉब करते हो, आप बगल में साइड कोई और व्यापार करते हो, गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर रहा है, या आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? आप 8 घंटा काम करते हैं, फिर आगे 8 घंटा काम करें, कौन आपको मना कर रहा है? आप जितना चाहे उतना काम करें, काम करें और केवल काम करें। तो मैथिली शरणगुप्त की एक कविता है, नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, काम करिए और केवल काम करिए, और जितना आप काम करेंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, आपकी आय बढ़ जाएगी, आपका इनकम बढ़ जाएगा, पैसा ज्यादा आएगा। पैसा ज्यादा आएगा तो हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी मतलब नेशनल इनकम बढ़ गया। तो हमने आपको छोटी सी श्रृंखला में बात समझाई, तो इसका मतलब आप समझिए, आपका स्वयं का विकास हो, आपके घर का विकास हो, आपके परिवार में खुशी आए, इसलिए जरूरी क्या है, आपके परिवार की इनकम ज्यादा हो, घर में ज्यादा से ज्यादा सदस्य कमाने वाले हों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक छोटा बच्चा पैदा हो गया घर में, अब वो पैदा होते हुए कौन सा इनकम देगा? तो उसका काम क्या है, आंख खुली, और आंख खुली करते ही कंजम्पशन करना शुरू करेगा, उपभोग करना शुरू करेगा, जो खा पी सकता है खाता पीता रहेगा, फिर सो जाएगा, फिर उठा पेशाब किया, फिर खाने में लग जाएगा। उसका कौन सा योगदान है, समझिएगा, इनकम कौन, इनकम कौन लाएगा? छोटा बच्चा तो अभी नहीं लाएगा, बड़ा हो जाएगा जब कमाएगा तब की तब देखेंगे। कंजम्पशन है, पूरा कंजम्पशन है, अर्थव्यवस्था पर भार है, बोझ है, ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं ना, उसका कोई योगदान नहीं है। इनकम का मतलब जो पैसा कमाता हो, आपके घर में एक गाय है, बड़ी दुधारू गाय है, तो वह गाय इनकम की बड़ी सोर्स है, दूध खा भी रहे हैं, दूध बेच भी रहे हैं, है कि नहीं? तो वहां से इनकम आ रहा है, आमदनी आ रही है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जहां से अर्थ का अर्जन हो, जहां से पैसे का अर्जन हो, जहां से मौद्रिकता का अर्जन हो, जहां से संसाधन का अर्जन हो,
मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संसाधन ही कोई दे के चला गया किसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए आप किसी का कुछ काम करते हैं और उसके बदले उसने 50 बोरी गेहूं आपके घर भिजवा दिया, तो 50 बोरी गेहूं को फिर क्या करेंगे हम लोग? उस रुपए में देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या रेट में बिक रहा है, उसका करेंट प्राइस क्या है, तो वो आपकी आमदनी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जो आपकी संपत्तियों को बढ़ाए वह क्या कहलाता है? वह टर्म क्या है? आय। तो आय को पहले समझ लो, तब नेशनल आय पे जाना। अभी आय समझ में आ गया? कहीं से भी पैसा आए, कोई भी लेके आए, पैसा आया विदेश में कोई कमाता है, आता जाता नहीं है लेकिन पैसा भिजवाता है, बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ यहाँ विदेश का कोई आया यहां से पैसा लेके जा रहा है, समझना बड़ा दिक्कत की बात हो जाएगी फिर। तो इनकम क्या है? इनकम वह मानी जाएगी जो पैसा आए, और जो पैसा आएगा उसको हम इनकम कहेंगे। और बात हो रही है राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम को आओ समझते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा को समझो, आओ इसके बाद देखते हैं कि क्या है। किसी देश की अर्थव्यवस्था, टर्म देखो, बात किसकी हो रही है? पर्टिकुलर एक कंट्री की बात हो रही है, किसी एक देश की बात हो रही है, किसी हम एक देश की बात कर रहे हैं। उस देश की अर्थव्यवस्था यानी उसकी इकोनॉमी में एक वर्ष के दौरान, टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है 1 ईयर। एक वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, अब इस बात को ध्यान रखना। देखिए, सेवा का मतलब होता है सर्विस, सर्विस सर्विस, सेवा, सेवा क्षेत्र की बात हो रही है। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं तो सेवा दे रहे हैं, आप फोन करते हैं, ओला वाले आते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, घर से मुझे यहाँ पे ला करके स्टूडियो तक छोड़ के चले गए, उन्होंने क्या मुझे दिया? सेवा दिया। अब ऐसा तो नहीं कि ओला वाले मुझे कार लेके चले गए, नहीं, कार में बैठाए एक जगह और दूसरी जगह उन्होंने उतार दिया, ये एक सेवा है। मेरी बात आप सुन, या आपको एक सेवा प्रदान, जैसे मान लीजिए टेलीकॉम कंपनियां आपको क्या प्रदान करती हैं? सेवा प्रदान करती हैं कि आप एक बात कर सकें, है कि नहीं? तो सेवा और क्या, उत्पन्न होने वाली वस्तु में उत्पादन, उत्पादन गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, समझ रहे हैं, बाजरे का उत्पादन, जौ का उत्पादन, कृषि क्षेत्र से सारे उत्पादन, अन्य उत्पादन भी समझिए। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन अगर मोबाइल का हो गया, मान लो यह मोबाइल है जिसका कीमत 1,20,000 है, तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो मोबाइल मेरे हाथ में है, अब इस मोबाइल की कीमत मान लो 1,20,000 रुपए की यह मोबाइल है, तो यह भी एक उत्पादन है। मोबाइल क्या है? एक उत्पादन है, एक प्रोडक्ट है। यह हमने कमीज पहनी हुई है, अब इस कमीज भी क्या है? एक प्रोडक्ट है, एक उत्पादन है। लेकिन आप कहोगे सर जूट से बनी है, तो जूट कच्चा माल हुआ, और उससे क्या हुआ? आप देखेंगे उससे इसके रेशे को निकाला गया होगा, समझ रहे हैं? अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कच्चा माल और तैयार माल, लेकिन यह भी एक क्या है? एक उत्पादन है। तो हर, अब उत्पादन हुआ ना, सारा प्रोडक्शन, हर तरह का प्रोडक्शन, तो आप वही चीज कहा गया है। कब? एक वर्ष में। किसकी बात हो रही है? एक देश की बात हो रही है। फिर उत्पन्न होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि देश की प्रगति को निर्धारण करती है। मान लीजिए अभी 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 मान लो 5,000 करोड़ मिलियन डॉलर है, और अगले साल 6,000 मिलियन करोड़ डॉलर हो गया, तो पता चलेगा इकोनॉमी बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इससे हमें पता चल जाता है कि देश तरक्की कर रहा है। जीडीपी हमने देखा 2% था, 3% हुआ, 3.5 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 9 पहुंच गया, पता चल रहा है विकास क्या है, चल रहा है। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय आय में एक वर्ष के दौरान जो होती है जितनी भी तरह की हमारे पास आमदनी होती है, चाहे वो उत्पादन से हो चाहे वह सेवाओं से हो, वह सारी जो हमारे पास जितनी भी आमदनी आती है देश के पास, वह देश की क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो पहले एक लाइन की परिभाषा आप हमेशा याद रखें। अब इसमें देखिए एक यहाँ पर अर्थशास्त्री मार्शल है, मार्शल महोदय क्या कहते हैं? ये रहे मार्शल, मार्शल मार्शल, ठीक। वैसे छोटे बच्चों का जो प्रोग्राम आता है उसमें जो है, जो छोटे छोटे डॉग वाले जो सीरियल होते हैं उसमें उनका नाम रखा जाता है मार्शल, ठीक है, टॉम,
ना, इस तरह के नाम होते हैं। लेकिन यहां पर मार्शल देखिए है, मार्शल महोदय क्या कहते हैं, ठीक है, फॉरेन के लोग हैं। मार्शल किसी देश के श्रम एवं पूंजी, देखो दो चीजों पर ध्यान देना, श्रम, श्रम बिल्डिंग खड़ी हो गई, अगर बिल्डिंग में से मैं श्रम को हटा दूं तो केवल यह क्या है, यह कूड़ा कट रहा है, यह ईंट और सीमेंट का ढेर है, इस बात को समझना। अगर इसमें से मैं श्रम हटा दूं तो ये कुछ भी नहीं है। श्रम, श्रम एवं पूंजी, पूंजी का मतलब पैसा, किसी देश की श्रम और पूंजी, पूंजी उस देश की प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कुछ भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, जिसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं। इस प्रकार बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह विचारधारा मार्शल महोदय का है। मार्शल महोदय ने इस बात को कहा, और इनके कहने का भी तात्पर्य ठीक है कि भाई जो श्रम से पैसा आया, पूंजी भी तो, जो पूंजी से पैसा है, पूंजी से कैसे पैसा आएगा। अरे मान लो तुमने किसी भी बिजनेस में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, खाली पैसा लगा दिए हो, इंटरेस्ट पे पैसा कमा रहे हो, तो पूंजी ने पूंजी को कमाया कि नहीं कमाया, पूंजी के द्वारा पूंजी आना, और वो ज्यादा है। मान लो मेरे पास, सपोज करो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, और मैं 1 करोड़ रुपया मान लो जो है गवर्नमेंट को ही सिंपल दे दिया, तो गवर्नमेंट मुझे मान लो 6% ही ब्याज देती है, तो 1 करोड़ का 6 लाख उसने दे दिया मुझे, 6 लाख। आज 6 लाख यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों की सैलरी नहीं है, तो आप समझो भाई 6 लाख दे दिया, 1 साल का दे दिया, 50,000 रुपये महीने आ गए, तो 50,000 किसकी सैलरी है, और पूरे दिन काम करोगे तब ना 50,000 मिलेगा। तो पूंजी होना चाहिए, श्रम मेहनत करो, मेहनत से कितना कमाओगे, कमा लो, पूंजी से कमा लो, ये बात कहा मार्शल महोदय ने, उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर के। अब यह क्या होगा, देश के नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसके साथ मिलकर के क्या होता है, भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। कैसी वस्तुएं उत्पादन करती हैं, भौतिक और अभौतिक, इस बात को समझना, जो भी फिजिकल और नॉन फिजिकल, जो भौतिक वस्तुएं हैं और जो अभौतिक वस्तुएं हैं उसका जो उत्पादन हो रहा है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो, उत्पादन करती हैं। जैसे मान लो तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो यह एक संचार क्षेत्र है, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इसको तुम छू नहीं सकते हो, भौतिक वस्तु इसको देख सकते हो, छू सकते हो, मेरी बात आप समझ पा। जैसे मान लो कि लाइट का उत्पादन हो गया, लाइट एनर्जी का, समझ, एनर्जी को मैं छूना, तार को छूओगे गिर जाओगे, करंट में छूना, समझ में आ रही बात। अभौतिक, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ श्रम के द्वारा, पूंजी के द्वारा, 1 वर्ष के दौरान उत्पादन हुआ, जिसमें सेवाएं भी शामिल हैं, इसी के बाजार मूल्य को, इनका जो मूल्य बनता है, इनकी जो कीमत बनती है, इन सारी कीमतों को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसका कथन है बताओ जल्दी से, हाँ यह कथन मार्शल का है। अब बच्चों आगे देखो, प्रोफेसर साइमन कुजनेटस के अनुसार, अब देखो यहाँ पे ये नाम है प्रोफेसर, प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स हैं, और इनके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि प्रोफेसर साहब ने ऐसा क्या कह दिया। आओ देखते हैं जरा प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स को, आप देखो भाई इनको, प्रोफेसर साइमन कुजनेटस इनका नाम है, ये क्या कहते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, क्या कहते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी 1 वर्ष के दौरान देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में बाजार मूल्य से होता है। क्या कहा, पूरा आखिरी रूप से एकदम फाइनल अंतिम उत्पादित, समझो इस बात को, जैसे मान लो कि हमने जो है फसल उगा दी, खेत में बीज डाल दिया, पौधा तैयार है, फसल कटा नहीं है, क्या उत्पादन हो गया, नहीं, पहले फसल को काटो, उसको दाओ, मतलब उसमें से गेहूं अलग करो, और अब गेहूं को कट्टे में तैयार करो, अब बाजार में बिकने के लिए तैयार है, हाँ अब ये हो गया अंतिम उत्पाद। देखो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी 1 वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में बाजार मूल्य से होता है। और कर लो, जो गेहूं है उसका आटा बना दो, आटा बनाओ, पीस दो उसको, एकदम बन गया, अब क्या बनाओगे, अंतिम उत्पादन अब क्या होगा, अब उसका बनेगा रोटी, समझ रहे हो, रोटी बना लो, रोटी को बेचो, समझ में आ रहा है भाई बात। तो जो आप अब रोटी के बाद तुम क्या कर सकते हो बोलो, अब तो उसको कंजम्पशन ही करोगे, खाओगे ही,
तो अंतिम उत्पाद की बात कर रहे हैं, अंतिम वस्तुओं, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और बाजार सेवाओं, और सेवाओं में बाजार मूल्य से होता है, इस बात को समझना। उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में बाजार मूल्य से होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी सम्मिलित रहता है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई विदेश में कमा रहा है, समझो अगर हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे जो बैलेंसिंग हमारे पास मनी आएगी उसको भी हमें लेना है ना। मेरी बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? अगर हमने कहा था कि घर में पैसा आ रहा है, अलग अलग तरीके से पैसा आ रहा है, ऐसे देश के पास पैसा एक तो अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर आ रहा है, एक भौगोलिक सीमा से बाहर भी हमारे पास अगर पैसा आ रहा है किसी तरह से, तो उसको भी हमें शामिल करना पड़ेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो क्लोरोफ्लोरोक्वीन कोरोना की दवाई में जो मलेरिया की दवाई है वह यूज किया गया, तो क्या क्लोरोफ्लोरोक्वीन को हम बाहर ऐसे फ्री में देंगे? नहीं भाई, उसका हम एक उचित मूल्य लेंगे। और जब हम उचित मूल्य लेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी? विदेशी करेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो हमारा आय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हमारा इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वही बात मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये बात इन्होंने कहा था, इन्होंने साइमन कुजनेट्स ने इस चीज को यहाँ पर जोड़ा। इन्होंने कहा जो विदेशों से भी पैसा आएगा वो भी हमारे आय का पार्ट है, और जो हमारा अंतिम उत्पाद है उसका जो बाजार मूल्य, जो सेवा है उन सबका जो बाजार मूल्य बनता है, ये सारा हमारा क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय आय है। तो हमने आपको तीनों के बारे, एक तो नेशनल इनकम की पहले हमने बेसिक परिभाषा बताई, फिर हमने मार्शल के बारे में बताया, और उसके बाद हमने प्रोफेसर साइमन के बारे में बताया, प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के अनुसार। तो आपने देखा यहां पर राष्ट्रीय आय को, किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत हो तो तुम पूछ सकते हो, बोलो कहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? बोलो हाँ, एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। आगे पढ़ाए? बोलो हाँ सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और आगे पढ़ाए। तो सुनो ध्यान से, राष्ट्रीय आय के मापक, भाई नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? अब एक एक व्यक्ति से गवर्नमेंट तो जाके पूछेगी नहीं भैया कि तुम्हारी आमदनी क्या है, तुम्हारी आमदनी क्या है, तुमने कितना कमाया, उसने कितना कमाया, फलनवा ने कितना कमाया, ढनकनवा ने कितना कमाया, अब ये तो नहीं होगा ना किसने कितना कमाया। अब एक एक आदमी से पूछेगी तो गवर्नमेंट पागल हो जाएगी, और तुम क्यों बताओगे? तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम तो कैश में काम करने वाले हो। गवर्नमेंट क्या करती? गवर्नमेंट कहती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, यूपीआई से ट्रांजेक्शन करो, चेक से पेमेंट करो। गवर्नमेंट जानना चाहती है तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। तुम क्या करोगे? तुम कैश में चिल्लर बांटोगे, चिल्लर, तुम कैश में लेन देन करते हो, समझो। तुम जो है ब्लैक मनी की तरफ अग्रसर हो, तुम नहीं बताना चाहते हो। तुम बता दोगे कि मेरे पास इतना पैसा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इनकम टैक्स लेगी। ज्यादा पैसा है तो और टैक्स बड़ा हो जाएगा, तो तुम भी बहुत चालाक बन गए हो। तो कैसे पता चलेगा राष्ट्रीय आय का? आइए राष्ट्रीय आय को मेजरमेंट करने वाले जो तत्व है उनको समझते हैं कि कैसे मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के मापक, अब समझो। राष्ट्रीय आय मापने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को भिन्न मापकों का प्रयोग किया जाता है, समझे? नेशनल इनकम को समझने के लिए कई मापक हैं, इनको तुम ऐसे समझो कई सारे टर्म हैं, इन टर्मों को समझो, ये मददगार हैं, इनसे हम राष्ट्रीय आय को मेजर करते हैं। तुम्हें राष्ट्रीय आय मेजर ना करना है, इस पूरे लेसन दौरान तुमको बताऊंगा भी नहीं कैसे मेजर करोगे, लेकिन मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कुछ टर्म प्रयोग किए जाते हैं, उन टर्म को पहले तुम समझ लो कि वो टर्म क्या है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और परीक्षा दो निकल लो। तो यहां पर बात हो रही है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक घरेलू प्रोडक्ट उत्पादन, इसको बोलते हैं जीडीपी। बड़ा जाना सुना नाम लग रहा होगा तुमको, हैं? जैसे कि जीडीपी तुम ही तैयार करते हो। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत जो है यह एक जीडीपी को समझो, जीडीपी है क्या? ठीक, जीडीपी जीडीपी सुनते आए थे, आज जीडीपी के सामना आमना सामना हो गया, ये जीडीपी कौन सी बला है? जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हो जीडीपी को? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब सब मिला, ग्रॉस का मतलब सब कंप्लीट, इतना सारा सब कंप्लीट, ग्रॉस समझो। ग्रॉस का मतलब हिंदी में समझो सकल, सब ले लो, सब सब कुछ। घरेलू, घरेलू उत्पाद, एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर, इस लाइन को देखना, एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर, मतलब यहां पर भौगोलिक चीजों का ध्यान दिया जा रहा है, समझो इस बात को। अगर
हम भारत की भौगोलिक सीमा देखें तो जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास है, हाँ, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे पास है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी देखा जाएगा। भौगोलिक सीमा 28 राज्य हैं, कितने हैं, तो जितने भी राज्य हैं सब राज्यों का, पंजाब का लेना भाई, उत्तर प्रदेश का भी, मध्य प्रदेश का भी, राजस्थान का भी, हरियाणा का भी, हर प्रदेश जहां तक, जहां लिख दिया गया भारत, समझ रहे हो कि नहीं, तो सारे भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, अब यहां भारत की बात करें तो भारत, चाइना की बात करेंगे तो चाइना, रशिया की बात करेंगे तो रशिया, जिस देश की आप बात कर ले, जीडीपी सबके लिए ही परिभाषा है। सीमा के अंदर अंतिम माल एवं सेवाओं का बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, मेरी बात तो समझो। एक वर्ष के अंदर, पूरे एक साल के अंदर, अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर क्या अंतिम माल, गुड्स, माल का मतलब यहां पर क्या है, माल का मतलब यहां पर गुड्स से है, जो सामान तैयार हुआ है उससे है, यहां पर अंतिम माल और सेवाओं के बीच जो हम सर्विस देते हैं का बाजार मूल्य, जिसकी कीमत सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, अंतिम प्रोडक्ट, अंतिम माल, अंतिम गुड्स, फाइनल गुड्स, फाइनल सेवाएं जो दी गई एक साल के दौरान, उसकी जो बाजार की कीमत है, उस बाजार की कीमत को, उस बाजार मूल्य, उसका जो बाजार मूल्य है वह बाजार मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तुम यहां पर देख लो, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादन कर रहा है, वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अंदर, बताओ गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, गिना जाएगा, समझो इस बात को। अगर कोई भी भौगोलिक सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर अगर जो भी कोई बाहर का भी नागरिक अगर वह कुछ काम कर रहा है, वह भी कुछ उत्पादन कर रहा है, तो वह भी जीडीपी में काउंट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसको तुम ऐसे देखो, देखो जीडीपी क्या है, जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है, यहां पर यह शब्द है, मैं तुमको बता दे रहा हूं, देश के अंदर उत्पन्न उत्पादित समस्त सेवाएं एवं गुड्स, इस बात को देखो, यहां पर दो टर्म है, और यहां पर मैं तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और इसको तुम समझ लेना बच्चों, ठीक। हाँ, यहां पर आप देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, जीडीपी, जीडीपी इज इक्वल टू, जीडीपी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई पी, जीडीपी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी, क्यू टोटल क्वांटिटी, टोटल परिणाम, परिणात्मक मात्रा, देश के अंदर उत्पादित समस्त सेवाएं एवं माल, ठीक, उत्पादित समस्त सेवाएं एवं माल, और अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, जीडीपी को निकालना है कितना उत्पादन हुआ है, और मल्टीप्लाइड उसका रेट क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, जीडीपी निकल जाएगी। जीडीपी इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है, एकदम बैलेंस है, जीडीपी निकलेगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसे मान लो अगर हमने जीडीपी निकालनी है, जीडीपी निकालना, तो तुम क्या पूछोगे मुझसे, तुम पूछोगे सर क्यू की वैल्यू बता दो, मैं कहा ठीक है, बोलोगे पी की वैल्यू बता दो, मैंने कहा देखो क्यू जो है वह 3 है और पी जो है वह 2 है, तो बताओ जीडीपी कितना होगा, सही बता रहे हो, तुम कहोगे सर बड़ा आसान है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो यहां पर हमारी जीडीपी कितनी है, 6 है, बात समझ। अब मान लो तुम क्यू की वैल्यू को बढ़ा दो, तुमने कहा कि हम क्यू की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे, तुमने कहा सर अगर क्यू 4 हो जाए, रेट वही रहे, प्राइस वही रहे, तो अब देखो क्या हो जाएगा, जीडीपी 4 × 2 कहां पहुंच गई, जीडीपी बोलो 8 पे, मेरी बात समझ पा रहे हो तुम, यानी दो चीजों को ध्यान रखना, कीमत बढ़ ज्यादा होनी चाहिए, प्राइस अधिक होना चाहिए,
और क्या अधिक होना चाहिए? उत्पादन, माल और सेवाओं का उत्पादन अधिक होना चाहिए, तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। खूब उत्पादन हो, खूब सेवा दिया जाए, खूब पैसा मिले, यही तो है विकास का सिद्धांत, यही तो है जीडीपी, तभी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो हम जीडीपी के द्वारा आप देखेंगे कि हमने आपको बताया कि जीडीपी से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इसको आप देख सकते हैं। और आप जरा एक बार पंचवर्षीय योजनाओं में भी देखिए कि किस तरह से हमने जीडीपी धीरे 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 कर करके हम 9 के आसपास पहुंच गए। आप इस बात को देखिए कैसे जो है जीडीपी हमारा बढ़ा है हर साल, हर पंचवर्षीय योजना हमने लगभग दोगुना जीडीपी का लक्ष्य रखा। समझ रहे हैं? दोगुना मतलब सोचो, इस साल हम 5 साल के दौरान हम ये मान के चलते हैं कि हम जितना इन 5 साल में काम किए हैं, अगले 5 साल में हम उसका डबल काम करेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी भी तो हर साल बढ़ रही है, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो काम क्यों नहीं ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप इस बात को समझिएगा। आपको मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया जीडीपी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एकदम सही बता रहे हो, जीडीपी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज जाएगा क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी। बोलो इस बात को नोट करो, सब लोग कॉपी में नोट करो भाई, नोट करो, सब लोग नोट करो, फार्मूला अच्छे से नोट करो, बढ़िया से लिखो। भाई सोचो, जैसे मान लो कोई कंपनी ले लो, पानी वाली कोई कंपनी ले लो, जैसे मान लो कि विसलरी कंपनी कोई है, ठीक ठीक है, और वो विसलरी क्या करती है कि वो पानी भिजवाती है बॉटल में भर करके। अब मान लो पानी, मान लो सपोज करो कि 10 रुपए में उसका सारा कॉस्ट है, लेकिन वो उसको 20 में बेच रही है, ठीक। अगर तुम 10 रुपए में उसके यहां से जहां उसका हेड ऑफिस वहां से जाके लेके आओ तो 10 में दे देगी, लेकिन तुम्हारे घर पे अगर तुमको पहुंचाना है तो 20 रुपया लेगी। बोलो समझो इस बात को, 10 रुपए में कंपनी के पास आप जाइए, कोई भी जाएगा दे देगी, अब 20 रुपए में डोर पे पहुंचाएगी, आपके घर पे पहुंचाएगी। अब समझ में आई बात? यहां पर दोनों चीजें हैं, वस्तु भी है और सेवा भी है, माल भी है और सेवा भी है, ठीक। अगर आप वहीं पर ले लिए तो आपने उसका सेवा नहीं,